चलो आज एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि टर्बोचार्जर आखिर करता क्या है और ये मॉडर्न इंजन का कोर क्यों बन चुका है। कहा भी जाता था कि ज्यादा पावर चाहिए तो बड़ा इंजन लो, लेकिन अब गेम बदल गया है। अब फ्यूल महंगा है, इमिशन रूल सख्त है और स्पेस कम है, तो अब फॉर्मूला है छोटा इंजन रखो और उसमें पावर ठूंस दो। और यहीं पर टर्बो चार्जर आता है, एक ऐसा डिवाइस जो हवा को कंप्रेस करता है और इंजन को जबरदस्त ऑक्सीजन सप्लाई देता है। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा एनर्जी, मतलब टर्बो इंजन को वो ऑक्सीजन मास्क देता है जो उसे नॉर्मल से ज़्यादा ब्रीद करने देता है। इस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक टर्बाइन जो कि एग्जॉस्ट गैस से चलता है यानी कि इंजन का वेस्ट से चलता है, और एक होता है कंप्रेसर जो हवा को दबाकर इनटेक में भेजता है, मतलब कि एक तरह से इंजन फ्यूम्स को बाहर भेज रहा है और टर्बो वही फ्यूम्स से हवा कंप्रेस करके फिर इंजन को दे रहा है। ये एक स्मार्ट रिसाइकल सिस्टम है, वेस्ट को वेपन बना देता है। लेकिन टर्बो चार्जर में एक इशू आता है जिसको बोलते हैं टर्बो लैग। जब आप एक्सीलेटर दबाते हो तो टर्बो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करता है, कुछ मिली सेकेंड का डिले आता है, क्योंकि टर्बो एग्जॉस्ट गैस से चलता है और प्रेशर बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये डिले एंथुजियास्टिक ड्राइवर्स को डिस्टर्ब करता है क्योंकि उनको चाहिए एकदम इंस्टेंट रिस्पॉन्स। टर्बो लैग को कम करने के लिए इंजीनियर्स ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है जो आज के मॉडर्न टर्बो इंजन्स का एक हिस्सा बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं VGT की, यानी कि वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो की। इसमें टर्बो के अंदर छोटे वैम्स होते हैं जो अपना एंगल बदलते रहते हैं, इससे एयर फ्लो हर RPM पे ऑप्टिमाइज रहता है और लैग बहुत कम हो जाता है। नेक्सॉन डीजल, हैरियर, स्कॉर्पियो N जैसी गाड़ियों में ये टेक मिलती है। फिर आता है ट्विन टर्बो सेटअप, जिसमें दो टर्बो होते हैं, एक छोटा जो लो RPM पे काम करता है ताकि बूस्ट मिले, और दूसरा बड़ा जो हाई RPM पे एक्टिव होता है ताकि पावर बनी रहे। BMW, Audi और Jaguar जैसी गाड़ियों में ये सिस्टम देखने को मिलता है। और अब फ्यूचर की बात करें तो आता है इलेक्ट्रिक टर्बो, जो एग्जॉस्ट से नहीं बल्कि बैटरी से चलता है, मतलब कि एक्सीलेटर दबाते हो तुरंत पावर मिलती है, एकदम लैग फ्री फील। फॉर्मूला 1 से लेकर हाइब्रिड कार तक ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। आजकल हर दूसरी गाड़ी पर टर्बो लिखा दिखता है, i20 टर्बो, अल्ट्रोज आई टर्बो, लेकिन सिर्फ नाम से परफॉर्मेंस नहीं आती है, क्योंकि ये छोटे टर्बो होते हैं जो सिर्फ सिटी ड्राइविंग के लिए ट्यून्ड होते हैं। ना तो इनमें वो थ्रॉटल पे खिंचाव होता है, ना टॉप एंड पे एक्साइटमेंट। और अगर आप एक कार एंथुजियास्टिक हो तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक नाम का टर्बो है। टर्बोचार्जर छोटा होता है लेकिन बहुत नाजुक भी होता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि लॉन्ग ड्राइव या स्पिरिटेड रन के बाद गाड़ी को तुरंत बंद मत करो, टर्बो को कूल होने का टाइम दो। हमेशा हाई ग्रेडेड सिंथेटिक ऑयल ही डालो, क्योंकि टर्बो बहुत हीट जनरेट करता है। एयर फिल्टर और होसेस टाइम टू टाइम चेक करते रहो ताकि कोई लीकेज ना हो। तो टर्बो को समझ के चलाओ, जिम्मेदारी से चलाओ, क्योंकि थ्रिल तभी जिंदा रहता है जब इंजन जिंदा रहता है। थ्रॉटल दबाओ और पावर आ जाए, वो भी बिना एक सेकंड डिले के। ऐसी चीज़ सिर्फ एड्स में नहीं, सुपर चार्जर वाली गाड़ियों में होती है। कुछ पेट्रोल हेड्स का कहना है कि टर्बो टाइम पास है, असली मर्दों वाली चीज़ तो सुपर चार्जर है। No doubt. क्राउड पुलर गाड़ी, क्राउड पुलर ब्लैक कलर की है, फिर भी ब्लैक कलर को लोग देखते हैं, आवाज इतनी तेज करती है ना एग्जॉस्ट भाई इसका, सुनो इसकी असली कहानी। टर्बो चार्जर जहां एग्जॉस्ट से चलता है, सुपर चार्जर सीधा इंजन से जुड़ा होता है, मतलब कि इंजन का क्रैंकशाफ्ट घूमेगा और उसी से हवा कंप्रेस होगी और सीधा इंजन में जाएगी, मतलब कि ना कोई गैस का इंतजार, ना प्रेशर बिल्ड का टाइम, बस जैसे ही थ्रॉटल दबाओ ताकत का जलवा तुरंत दिखता है। अब सुपर चार्जर भी एक नहीं होता है, तीन टाइप के होते हैं और हर एक का स्टाइल अलग है। सबसे पुराना वाला है रूट्स टाइप, ये वही है जो मस्टैंग GT500 और डॉज हेलकेट जैसी मसल्स कार में आता है, पूरा इंस्टेंट पंच देता है लेकिन हवा को थोड़ी अजीब तरह से फेंकता है, इसलिए हीटिंग ज़्यादा करता है। फिर आता है ट्विन स्क्रू सुपर चार्जर, ये ज़्यादा इफिशियंट होता है, हवा को कंप्रेस करके स्ट्रीमलाइन करता है और ज़्यादा पावर देता है और नॉइज भी कम करता है, जिसे आप AMG कार्स में देखोगे। और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर, ये दिखने में टर्बो जैसा होता है लेकिन चलता बेल्ट से है, थोड़ा प्रोग्रेसिव पावर देता है, इनिशियल पंच कम है लेकिन टॉप एंड पर धमाका करता है, ये ड्रैग रेसर्स और कस्टम ट्यूनर्स का फेवरेट है। अब कंपैरिजन की बात करें तो टर्बो लैग करता है, सुपरचार्जर तुरंत जवाब देता है। टर्बो फ्यूल एफिशिएंट है, सुपरचार्जर पावर हंग्री।
टर्बो कम्प्लेक्स सेटअप लेता है, सुपरचार्जर सिंपल होता है, लेकिन थ्रिल भाई सुपरचार्जर का जवाब नहीं। अब आपके दिमाग में खुरापात आ रहा होगा कि अगर टर्बो और सुपरचार्जर को मिला दे तो क्या होगा। भाई ये काम किया है वॉक्सवैगन ने, उनकी 1.4 TSI इंजन में दोनों लगे हैं, लो RPM पे सुपरचार्जर और हाई RPM पे टर्बो, लैग जीरो थ्रिल फुल। जब सुपरचार्जर का जवाब नहीं तो अब सवाल ये है कि इंडिया में सुपरचार्जर गायब क्यों हो गए। सिंपल रीजन, लोग माइलेज देखकर गाड़ी लेते हैं और सुपरचार्जर भाई माइलेज का किलर है, ये थ्रिल देता है लेकिन फ्यूल पी जाता है, इसलिए कंपनीज ने टर्बो को चुना जो थ्रिल भी दिखाता है और ब्रोचर में माइलेज भी। लेकिन ट्यूनिंग की दुनिया में सुपरचार्जर आज भी रूल करता है, जहां 0 से 100 टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पावर डिलीवरी हर सेकेंड मैटर करती है, वहां सुपरचार्जर आज भी भगवान है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया जैसी कंट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है। अगर आप डेली ड्राइव करते हो Then, it's a turbocharged incredible feeling. ये बढ़िया था गुरु। Turbocharged. लेकिन अगर आप एक pure enthusiastic हो, supercharged machine ही आपको वो feel दे सकता है जो दिल तक जाता है। Turbocharger सोच समझकर चलता है, जबकि supercharger दिल से चलता है। और यही फर्क है performance और passion के बीच का। Wake up to reality. तो अगली बार जब कोई बोले भाई बूस्ट चाहिए, तो एक सेकंड रुक के सोचिए कि बूस्ट चाहिए या बैलेंस चाहिए। मैं हूं भूपेंद्र शर्मा, शर्मा गैराज के इस वीडियो ने अगर आपकी समझ को एक नया नज़रिया दिया है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गाड़ी आराम से चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं।